नेक्स्ट नाइन न्यूज में आज हमारा एक खास प्रोग्राम है बॉलीवुड की दिवंगत अदाकारा रह चुकी एक ऐसी खास शख्सियत को लेकर जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ तो दिया लेकिन उनके जाने के बावजूद हमेशा उनकी बातें होती रहेगी। जी हाँ, राजेंद्र कुमार की, राजेंद्र नाथ की बहन और स्नोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की पत्नी, वन एंड ओनली बबीता कपूर की सासू माँ और आप सभी की फेवरेट रह चुकी फेमस सेलेब्स की भी रेप्यूटेटेड सबसे ज़्यादा आइडियल में नाम कमाने वाली कृष्णा राज कपूर की हम बात करें, जिन्होंने कार्डिक अरेस्ट की वजह से बीते कुछ दिनों पहले इस दुनिया को छोड़ा। लेकिन उनके जाने के बाद बॉलीवुड में कई ऐसी खबरें बनी जो वाकई में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रही थी। अपनी नानी माँ को कंधा देने के बाद किस तरह तुरंत अपने परिवार को संभालते नजर आए थे निखिल नंदा, बच्चन परिवार के दामाद कपूर फैमिली के लाडले श्वेता नंदा बच्चन के पति नंदा फैमिली के बड़े सदस्य निखिल नंदा ने किस तरह नानी माँ कृष्णा राज कपूर के जाने के बाद उनके जाने के बाद परिवार को संभाला, कपूर परिवार को संभाला, जहां करीना रो रो कर थक नहीं रही थी तो वहां करिश्मा कपूर भी दुखी थी। सैफ अली खान से लेकर रणधीर कपूर सब थे व्यस्त। कृष्णा को अंतिम विदाई देने के दौरान उन्हें देखने के बाद आखिरी बार जब नजर आई रिधिमा कपूर काफी इमोशनल होती तो वहां निखिल ने उन्हें किस तरह संभाला, जहां ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन से लेकर सोनम कपूर जैसे तमाम बॉलीवुड सितारे मौजूद थे, इस तरह कृष्णा राज कपूर को लेकर ऐसी दिलचस्प बातें पता चली जो वाकई बेहद मशहूर रही, जिन्होंने हमेशा अपनी पहचान बेहद ही रेपुटेटेड सेलेब के तौर पर बनाई। अभिषेक बच्चन ने खुद कृष्णा को लेकर बेहद ही खूबसूरत बातें की थी। आज हम आपको इस खास प्रोग्राम में बताएंगे उन्हीं के बारे में, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी आज रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं श्वेता नंदा बच्चन के हस्बैंड निखिल नंदा की, जो कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बहन और ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर को संभालते नजर आए, गले लगाकर उन्हें चुप कराते नजर आए, जो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी अपनी दादी अम्मा को जाते हुए देखकर, नानी को कंधा देने के बाद। जी हाँ, श्वेता नंदा के पति निखिल ने कंधा भी दिया था रितु नंदा को, जिसके बाद वो यहाँ पर रिधिमा को चुप कराने में काफ़ी व्यस्त नजर आए। देखिए आप इस खास वीडियो में किस तरह से रितु नंदा और रीमा जैन मौजूद थी, वहाँ श्वेता नंदा के पति खिले नहीं बल्कि बच्चन परिवार भी मौजूद रहा और तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच में निखिल नंदा काफी इमोशनल होते नजर आए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि निखिल नंदा है रितु नंदा के बेटे, जो कि अपनी नानी माँ कृष्णा राज के जाने के बाद उनके जाने के गम में डूबे नजर आए। कितना रोए होंगे वो अपनी नानी को खोकर, ये तो सभी जानते हैं, अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जिनको कंधा देते हाल ही में नजर आए हैं वो, जी हाँ, बॉलीवुड की फेमस किड स्टार श्वेता नंदा बच्चन के हस्बैंड हैं निखिल नंदा, जिनकी वीडियो को किया जा रहा है शेयर। जी हाँ, कृष्णा राज के निधन के बाद, उनके जाने के बाद कुछ ऐसे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसे देख कोई भी रो जाए। इस वीडियो को देख शायद आप भी रो पड़ेंगे, जिसमें कृष्णा काफी ज्यादा अच्छी नजर आई है लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। बता दें आपको, निखिल नंदा बेहद गरीब है कपूर परिवार के, साथ में अपनी नानी के, ऐसे में नानी के जाने पर वो काफी गम में रहे।
जैसा कि आप भी जानते हैं, राकेश रोशन से लेकर जितेंद्र सभी नजर आए हैं कृष्णा राज कपूर को आखिरी बार देखने के लिए। अंतिम दर्शन पर उन्हें देखने के लिए जहां तमाम बॉलीवुड सितारों की भीड़ उमड़ पड़ी, वहां पर कृष्णा राज के जाने के गम में डूबे बोनी कपूर से लेकर सलीम खान नजर आए। सलमान खान के परिवार वालों के बीच जहाँ सलमा भी पहुंची थी, जहाँ पर पहुंचे सलीम खान वहाँ बोनी भी रोते हुए नजर आए थे। ये कहा जा रहा है कि उनके आंसू भले दिखाई ना दिए हो लेकिन उनका दिल रो रहा था, जो याद कर रहे थे अपनी पत्नी को। कहीं ना कहीं इसी साल उनकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। श्रीदेवी के जाने के गम को फिर से याद कर बैठे बोनी कपूर, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस दुख की घड़ी में, कृष्णा राज के जाने की घड़ी में सलमान खान के परिवार वालों के साथ बोनी का गम एक बार फिर से बाहर आ गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अभी हाल ही में कृष्णा राज कपूर के जाने के बाद, उनकी आखिरी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद, ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची कपूर के रेसिडेंट वहां। वहां पर वो पहुंची अंतिम दर्शन पर उनके, जहां करिश्मा कपूर अपनी दादी के खोने के गम में डूबी हुई थी, जहां करिश्मा को रोते शायद देख बर्दाश्त नहीं कर पाई ऐश्वर्या। बता दें, आपको देख सकते हैं इस वीडियो में, ऐश्वर्या राय बच्चन ही हैं वो जो कि अभिषेक बच्चन के बाद वहां पहुंची, जहां पर करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आए। बच्चन परिवार और कपूर का परिवार एक साथ हुआ, एकजुट हुआ इस दुख की घड़ी में, जहां पर श्वेता नंदा बच्चन अपनी सासू मां ऋतु नंदा की मां कृष्णा के जाने के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मां सलमा खान की, जो नजर आई करीबी के जाने पर उनकी गम में डूबी हुई। कृष्णा राज कपूर ही हैं वो जो स्नोमैन की पत्नी रही, जिन्होंने सुबह तकरीबन 4 बजे कल हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ दिया। करिश्मा कपूर ने थामा सलमा का हाथ। अगर तस्वीरें देख रहे हो आप तो गौर कीजिए, सलमा काफ़ी दुखी नजर आई हैं। सलमा खान वैसे तो हर जगह नहीं जाती, लेकिन कृष्णा के जाने पर उनके अंतिम दर्शन के लिए सलमा खान पहुंचकर इस बात को साबित कर रही हैं कि वो उनके दिल की बेहद करीब थी। कृष्णा के जाने के गम में सलमा भी डूबी नजर आई हैं, उन्हें भी सदमा लगा है इस बड़े सच को जानने के बाद, इस हादसे के बाद, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की, मशहूर स्टार वाइफ जिनकी दोस्ती बॉलीवुड की तमाम बड़े बड़े हस्तियों के साथ है। बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ बॉलीवुड डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर से लेकर एक्टर्स के साथ वो गौरी खान हाल ही में करिश्मा कपूर और करीना कपूर की दादी अम्मा यानी कि कृष्णा राज कपूर के अंतिम संस्कार के बाद शोक मनाते हुए कॉन्डोलेंस में नजर आई। जी हाँ, कॉन्डोलेंस पे करने के लिए, यानी कि उनके प्रेयर मीट के दौरान डूबी हुई शोक में गौरी को देखा गया कुछ इस तरह के रूप में। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, कृष्णा को होने के बाद जहां तमाम सितारे दुखी थे, गौरी भी वहां काफी इमोशनल और चेहरे पर बिन मुस्कुराहट के दुख की घड़ी में शामिल होने आई। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर हाल ही में नजर आए काफी खुशमिजाज अंदाज में, लेकिन वो मौका था दुख का, जहां उनका खुशमिजाज होना लोगों को शायद पसंद नहीं आए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हुई हैं बॉलीवुड की बीबो करीना कपूर खान। अनिल कपूर के साथ मिलते ही हंसते हुए दिखी जब वो, जी हाँ, अपनी दादी कृष्णा राज के अंतिम संस्कार पर हंसती दिखी करीना कपूर। ये कहा जा रहा है कि करीना के इस रवैये से लगता है ऐसा से वो भूल गई कि वो दुख की घड़ी में शामिल है। बता दें आपको, अनिल कपूर भी उस तरह से दुखी नजर नहीं आए जैसा वहां माहौल था। अब अंतिम संस्कार के दौरान उनका हंसना उन पर भारी ही पड़ गया, या फिर उनका एक पल के लिए मुस्कुराना और दर्द को भूलना उनकी गलती बना, ये कहना वाकई मुश्किल है। तो देखा आपने हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया कृष्णा राज कपूर के जो नाती निखिल नंदा हैं, जिन्होंने इसी साल अपने पिता को भी खोया। जी हाँ, निखिल नंदा के पिता का भी इसी साल जिंदगी का अंत हुआ, जिसके बाद उनकी नानी माँ ने भी दुनिया को छोड़ दिया। वाकई में नंदा परिवार के लिए भी एक बेहद ही बुरा समय रहा, जिससे वो शायद किसी तरह निकल तो आए हैं, लेकिन इस सदमे से बाहर आना उनके लिए बेहद मुश्किल रहा।
खैर नंदा फैमिली को लेकर जो भी हमने आपको खबरें दी, कपूर परिवार को लेकर जो भी हमने आपको बताई है, वो वाकई में उनके चाहने वालों को दुख तो दे रही होगी। जिस तरह कृष्णा का जिंदगी का सफ़र काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहा, जिन्होंने राज कपूर के नाम को हमेशा टॉप पर रखा, जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ना चाहा। जी हाँ, गौर हो, खुद अमिताभ बच्चन ने कही थी ये बात। कृष्णा राज कपूर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा से दुल्हनों को ये सीख दी है, अपने साथ लेकर कभी भी जाओ तो कैची नहीं लेकिन सुई लेकर जाओ। सुई जो जोड़ते हैं और कैची जो काटते हैं। जुबा जो की जिसकी भी सुई की तरह होती है वो वाकई में लोगों को जोड़ती है, रिश्ते बनाती है, और कैची की तरह जुबान जो सिर्फ बात काटती है। सीख देने वाली खूबसूरत कृष्णा राज कपूर हमेशा याद की जाएगी। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।